नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे और खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक और सटीक उपचार बताने वाले हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अधिक मास्टरबेशन किया है, बहुत अधिक हस्त मैथुन किया, इसके कारण उनको जो है पेनिस में प्रॉब्लम, नपुंसकता जैसी समस्या हो रही हैं। उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा पुरानी नहीं है और हाल फिलहाल की उनको प्रॉब्लम हुई है, तो वो प्रॉब्लम इस नुस्खे से जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जो परहेज रहता है विटामिन सी और फास्ट फूड का परहेज रहता है, ये सब आपको नहीं खाना है, विटामिन सी और फास्ट फूड। बाकी आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, प्रॉब्लम भी आपका जो है ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं सीधे नुस्खे की तरफ। मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर। दो प्रोडक्ट आपको लेने हैं। कौन कौन से आपको प्रोडक्ट लेने हैं? पहला प्रोडक्ट आपको लेना है धातु पौष्टिक चूर्ण। देखिए सही कंपनी का आप लीजिएगा, भस्मे वाला नहीं होना चाहिए। बहुत सारे चूर्णों में भस्मे होती हैं तो वो चूर्ण नहीं होना चाहिए, सादा चूर्ण होना चाहिए, धातु पौष्टिक चूर्ण होना चाहिए। दूसरा आपको लेना है स्वर्ण मकर ध्वज बटी, टैबलेट आता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, ये आपको लेना है। एक पैकेजिंग लेना है, 24 टैबलेट आपको इसका लेना है। ये दोनों चीज़ें आपको लेनी है। मान लो 100 ग्राम आपका जो है धातु पौष्टिक चूर्ण हो गया, तो 100 ग्राम धातु पौष्टिक चूर्ण में 10 आपको टैबलेट जो है मिक्स करना है, उसमें टैबलेट का आपको पाउडर का लेना है, पाउडर करके धातु पौष्टिक चूर्ण में मिक्स कर लेना है। अच्छा 250 ग्राम हो गया तो आप 24 टैबलेट मिला सकते हैं 250 ग्राम धातु पौष्टिक चूर्ण में। तो इस तरह से आपको जो है मिक्स कर लेना है। अब इसका सेवन सुबह और शाम दोनों टाइम दूध के साथ में आपको करना होगा। सुबह में आपको यूज कैसे करना है? खाना खा लिया, खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर एक घंटे बाद आप दूध के साथ में, कम से कम एक कप दूध हो उसके साथ में आप आधा चम्मच 4-5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इसी तरह से शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद या फिर एक घंटे बाद सोने से पहले आप जो है 4-5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में ले सकते हैं। कम से कम एक कप दूध जरूरी है। पानी से आपको नहीं लेना है, दूध से ही इसका सेवन करना है। 30 दिन में आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।